हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं जिसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज कवर किए हैं, आप चाहे तो वो बुक ले सकते हैं, उसके बाद इन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। मैंने पहले एक क्वेश्चन के आगे ब्लैंक छोड़ रखा है ताकि आप पहले उसे खुद अटैम्प करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे अटैम्प कर सकते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ। सी, इसमें हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इसमें बोला है अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद एक्स किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी है ए से बी जगह जाता है एक्स की स्पीड से और वापस जाता है वाई की स्पीड से, तो हमें ये डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो इसके हम डेरिवेशन देखते हैं। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पूरी हर जगह यही चलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको ही हमें अलग अलग तरह से यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला शायद हम सबको याद है, आई होप सो। तो देखिए, इसमें ए बी डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है एक्स, ठीक है। अभी हम ये स्पेस छोड़ते हैं, इज इक्वल टू, अगर हम वापस जा रहे हैं तो स्पीड है वाई, तो हमें पता है डिस्टेंस सेम है। तो अगर हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे x से, तो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे लगा y टाइम और यहाँ पे लगा x टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा, x प्लस वाई, ये वाला x यहाँ आ गया, ये वाला y यहाँ आ गया, और हमें टोटल टाइम गिवन है t आवर्स, तो हमने लिख दिया t। और अगर यूनिटी मेथड से हम जाएँ तो वन यूनिट में होगा t बाय x प्लस वाई, और हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ए बी जो इक्वल है एक्स वाई के। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, टी इंटू एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। तो हम आगे अब से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करते हैं, वही आप पॉज करके अटैम्प कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें है कि एक बॉय है, वो स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टोटल टाइम उसे कितना लगता है, 5 आवर। तो हमने सीधा वो फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस वन इंटू एस टू, मतलब 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू टोटल टाइम कितना गिवन है, 5। तो सीधा इसका आंसर आ गया 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें फिर दोबारा फॉर्मूला लिखना या फिर ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा। ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए खुद पॉज करके, उसके बाद ये देखिए सॉल्यूशन। इसमें सिंपल यही था, 25 से जाता है, 4 से वापस आता है, तो 25 इंटू 4 25 प्लस 4। बस उन्होंने टाइम को अलग फॉर्मेट में दे दिया है, तो हमने इसे चेंज करना है, लाइक 5 आवर 48 मिनट को इसे 48 मिनट को आवर में चेंज करना है, तो 48 डिवाइड बाई 60, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये हो गया 4 बाई 5, तो 4 बाई 5 को हम लिख सकते हैं 29 बाई 5। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, आंसर आया 20 किलोमीटर इसे सॉल्व करके। ये आप पॉज करके अटैम्प्ट कीजिएगा, ये थोड़ा अलग है, अभी हम देखते हैं। अभी तक था कि x किलोमीटर से ज़्यादा है, y से आता है और टोटल टाइम लगता है t, पर अगर क्वेश्चन में गिवन है इफ़ ही टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक, तो इसमें डिफरेंस है। इसमें दे रखा है अगर a से b जाता है किसी भी टाइम पे और b से a जाता है किसी भी टाइम पे, तो जो वापस जाने वाला जो टाइम है वो t ज़्यादा है पहले वाले से। मतलब पहले मान लो 10 मिनट में जाता था a से b में, अब b से a जाने में उसे 10 मिनट नहीं लग रहे, 10 मिनट प्लस t टाइम लग रहा है, तो डिफरेंस हो गया t। तो हम पहले की तरह करते हैं, पहले हमें गिवन था x प्लस y की वैल्यू, अब हमें गिवन है x माइनस वाई की वैल्यू, मतलब एक जगह जाने में कितना टाइम लगा, दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा, और उसमें जो डिफरेंस है, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई टी, वही वन यूनिट टी बाई एक्स माइनस वाई, और एक्स वाई इक्वल टू टी डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस आते हैं। तो फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड का मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई डिफरेंस डिवाइड बाई इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम। पहले वाले फॉर्मूले में सम था, तो पहला क्वेश्चन आप ये खुद अटैम्प्ट करना पॉज करके, फिर हम सेकंड करते यही क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इसमें है कि ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो लेट हो जाता है 10 मिनट, 10 मिनट लेट का मतलब उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो उससे लगे टी प्लस 10 टाइम। फिर वो अगर इसमें कहे अगर वो ट्रैवल करे 40 की स्पीड से, तो वो पहुँच जाएगा ऑफिस 5 मिनट पहले, पहले मतलब टाइम कम लगा,
तो 40 की स्पीड में उसे टाइम लगा टी माइनस 5 टाइम में पहुंच गया 40 की स्पीड से। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना हो गया, टी प्लस 10, वैसे माइनस कर देना टी माइनस 5, तो टी प्लस 10 माइनस टी माइनस 5 आ गया 15 मिनट। तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस कितना हो गया S1 into S2, 30 into 40, जो ज़्यादा स्पीड है उसमें से कम वाले को माइनस करा, 40 माइनस 30 into में 15 मिनट। अब ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो इसे आवर में चेंज करना है, तो 50/60 आंसर आ गया 30 किलोमीटर। प्लीज़ आप इसे अटेम्प्ट कीजिए खुद पॉज करके, सेम क्वेश्चन है इसका। हम सॉल्यूशन जल्दी से देखते हैं। इसमें बोला है कि 2.5 किलोमीटर पर आगे स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, तो हमने लिखा T+6। अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देता है, मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो वो पहुंचता है स्कूल 6 मिनट जल्दी। जल्दी मतलब T-6, तो डिफरेंस टाइम डिफरेंस कितना है, T+6 माइनस में T-6, ये हो गया 12 मिनट। S1 2.5 और S2 में प्लस करा 1 तो 3.5। तो फॉर्मूला लगा दो, ये 5/2 आए 2.5 से और ये 7/2 आए 3.5 से, डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना हो गया 1 इंटू 12 मिनट और 60 से हमने डिवाइड करा आवर में चेंज करने के लिए, तो आंसर आया 7/4 किलोमीटर। हाँ सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए इसे, वही मैं जल्दी से अब कर दिया। T+15 15 मिनट लेट हुआ इसमें, और T+5 12 की स्पीड से चला तो 5 मिनट लेट हुआ इसमें। अर्ली नहीं लिखा तो हमने दोनों में ही प्लस करा है, दोनों में लेट हुआ, एक में 15 मिनट लेट हुआ, एक में 5 मिनट लेट हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 10 मिनट। 10 × 12, 12 − 10 × 10/60, सेम वही कर दिया हमने, आंसर आया 10 किलोमीटर। अभी थोड़ा सा अलग है, अब इसे आप एक पहले खुद अटैम्प्ट करके देखिए अगर ये आपसे होता है, वरना आप आगे सॉल्यूशन देखिए। इसमें है अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, पहले वो स्कूटर चलाता है, एंड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव 14 मिनट रेस्ट, बट ही विल डिक्रीज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, देन ही बिकम 40 मिनट लेट। अच्छा, इसमें कि मान लीजिए एक मैन जाता है ऐसे स्पीड से और टी टाइम से, इसमें हमें ना स्पीड गिवन है ना टाइम गिवन है, एग्जैक्टली टाइम तो वैसे गिवन हो था ही नहीं पहले भी, तो इसमें बोला है उसने अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा लेता है अपनी नॉर्मल से, मतलब S+3 कर लेता है, तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं, मतलब T-40 टाइम लगता है। और था अगर अब वो अपनी स्पीड डिक्रीज़ कर लेता है 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है। अब स्पीड कम करेगा तो ऑब्वियसली लेट ही होगा, तो ये स्पीड यहाँ होगी S-2 और टाइम लगा T+40। तो अब यहाँ से हम दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो इनको मिला के बनाएंगे, एक इसको मिला के बनाएंगे। अब इन दोनों को मिला के हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो S1 × S2, S × S+3 डिवाइड बाई डिफरेंस बिटवीन स्पीड, S+3 − S करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू में डिफरेंस बिटवीन टाइम, T-40 में से T- करेंगे तो 40 बचेगा, डिवाइड बाई 60 आवर में चेंज करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी S × S-2 डिवाइड बाई डिफरेंस 2 आया, इंटू 40 मिनट्स डिवाइड बाई 60। अभी ना इक्वेट करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 12। अभी हमें S की वैल्यू स्पीड पता लगी है, पर हमें बताना डिस्टेंस, तो ये S की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, चाहे तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ S की वैल्यू पुट करिए, 12 × 15 डिवाइड बाई 3 × 40/60, आंसर आ गया 40 किलोमीटर। ईजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा और ध्यान देना था। अब आप जैसे मैंने बताया वैसी क्वेश्चन है, पॉज करके अटैम्प्ट कीजिए, फिर वही देखते हैं। हमने एस और टी माना, इसमें वही बोल रहा है अगर 6 किलोमीटर फास्टर हो गया तो टाइम 4 घंटे कम लेगा, S+6 T-4, अगर 6 किलोमीटर स्लो हो गया तो टाइम 6 घंटे ज़्यादा लेगा, S-6 T+6। तो पहले इन दोनों को बना के एक इक्वेशन बनी, S × S+6 डिवाइड बाय 6 इंटू 4, वही डिफरेंस बिटवीन टाइम इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मिला के इक्वेशन बनेगी, S × S-6 डिवाइड बाय 6 × 6, क्योंकि टाइम डिफरेंस ही 6 था। अब ये यहाँ से कट दिया हमने, ये 2 से कटाइए, S से S कट गया, यहाँ पे भी कट गए 3, तो आप देखेंगे 2S+12, 3S − 18, S की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम से वही करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, 30 पुट कर देंगे इसमें, तो आंसर आ गया 720 किलोमीटर। इजी था, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप खुद अटैम्प्ट करिए पहले, फिर हम आगे फिर सॉल्यूशन देखते हैं आगे। इसमें भी वही है, अब वो स्पीड करता है इंक्रीज 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसे 1 घंटा कम टाइम लगता है।
अगर वो स्पीड इफ़ ही फर्दर इंक्रीज स्पीड, पहले 10 किलोमीटर बढ़ाया फिर 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया, मतलब 20 बढ़ाया हो गई, तो 45 मिनट लेसर टाइम लगा। तो देखते हैं ST पहले 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया तो 1 घंटा कम लगा, तो ये हो गया। दूसरे में 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया तो S+20 हो गया। और यहाँ पे T-7/4 45 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 45/60=7/4 यहाँ पे आ जाएगा, तो T-7/4। अब सिमिलर करना है, कुछ दो इक्वेशन बनेंगी, एक इन दोनों की और एक इन दोनों की। तो इन्हें इक्वल करा हमने, एस की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 हमने यहाँ पे पुट करा, आंसर आ गया 430 किलोमीटर। देख लीजिएगा आप, सेम वही है S+10/ वो डिफरेंस बिटवीन स्पीड फिर डिफरेंस बिटवीन टाइम, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है। अभी थोड़ा सा डिफरेंट, वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंट हुआ है, अब इसे ट्राई कीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या था, 20 अगर मैन स्पीड बढ़ा लेता है 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो सेव कर लेता है 1 घंटा, मतलब वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। लेकिन इसमें डिस्टेंस हमें गिवन है, इसमें हमसे क्या पूछा, स्पीड। तो पहले ज़्यादातर क्या होता था, स्पीड गिवन होता था, डिस्टेंस पूछ लेता था, या फिर दो स्पीड की इक्वेशन बनाता था ताकि डिस्टेंस आ जाए। तो इसमें हमें सिंपल वही करना है, पहले स्पीड माना S, दूसरी हो गई S+20। S+20 में टाइम कितना लगा, 1 घंटा कम, तो S × S+20, डिफरेंस बिटवीन स्पीड कितना हो गया 20, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इनटू में डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना है 1 आवर, क्योंकि वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, = इसमें डिस्टेंस हमें गिवन है 600 किलोमीटर। बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देख लीजिए। देखिए इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या इससे डल जाएगा। तो हमने देखा 100 से काम हो रहा था हमारा, तो ये डाला हमने तो आंसर हो गया 100। अब ये आप खुद अटैम्प करना, सेम क्वेश्चन है, इसमें वही है कि 600 किलोमीटर की फ़्लाइट होती है, 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड धीरे कर लेता है, 30 मिनट लेट हो जाता है, तो 30 मिनट को आवर में चेंज करा, तो 30/60=1/2 आ गया। तो सेम अप्रोच है, ऐसा आ गया 600 किलोमीटर पर आवर, वही इसमें हमने वैल्यू पुट करके करना है। अब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे, मोस्टली ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम ये वाले करते हैं। ये तो पहले सिंपल ही है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, उसने एक पोल को क्रॉस करा 30 सेकंड में, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। देखिए एक पोल को क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगेगा, उसमें जो डिस्टेंस आएगा वो ही लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, क्योंकि इस ट्रेन को क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 60 लेकिन टाइम है सेकंड्स में, तो हमें इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको याद रखना है, बार बार यूज़ होगा, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60×5/18×30=500 मीटर। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है, वो ये डिस्टेंस S×T, इसमें डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ दे रखी है 100, स्पीड है 30, तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, तो सेम टी आ गया 12 सेकंड। ये देखिए, अब उसे आप अटैम्प्ट कर लेना पॉज करके, फिर ये देखना। हाँ देखिए, ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, सी अब तक एक मैन को क्रॉस कर रहा था, क्योंकि मैन की कोई विड्थ निग्लिजिबल होती है तो हम उसे काउंट नहीं करते, लेकिन प्लेटफॉर्म लंबा होता है, तो ये एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा 260 मीटर का, तो इसमें दो डिस्टेंस हो गए, एक तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कवर करेगा और एक अपना डिस्टेंस कवर करेगा जो कि ट्रेन की लेंथ है। तो इसमें फॉर्मूला वही सेम होगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक तो ट्रेन की अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, T+260 हो गया। स्पीड इसमें सिंपली गिवन है 72, चेंज करा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इनटू टाइम गिवन है 23 सेकंड, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेंथ आ जाएगी ट्रेन की 200 मीटर। ये आप खुद ट्राई कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वही डिस्टेंस S×T, इसमें बस अलग तरीके से लैंग्वेज चेंज करके दिया है कि इतनी लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी इक्वल है ट्रेन की लेंथ के, तो डिस्टेंस हो गया 275 ट्रेन की लेंथ, 275 प्लेटफॉर्म की लेंथ। स्पीड हमें निकालना है, टाइम गिवन है, तो स्पीड इतना आ गया। अभी देखिए मीटर पर सेकंड में आया है अभी, तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे, पहले 5/18 कर देते ना, अब 18/5 हो गया। ये आप खुद अटैम्प्ट कीजिए, सेम क्वेश्चन,
इसका मैंने आंसर नहीं बताया क्योंकि इजी क्वेश्चन था, तो आप खुद ही अटैम्प्ट कीजिए। अब हम रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। बस हमें ये याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे हम कार को ओवरटेक करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड माइनस कर देंगे, S1 - S2। अगर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कार हमारे सामने से आती है, हम आगे चला रहे हैं, वो सामने से आ रही है, तो इसमें हम स्पीड को प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद अटैम्प्ट करके ट्राई कीजिए पॉज करके, देन इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें ट्रेन क्रॉसेस अ मैन विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। तो ये तो हमने कर ही लिया कि इससे हम सीधा बता सकते हैं ऐसे डिस्टेंस क्या है लेंथ ट्रेन की क्या है। अब ये कह रहा है हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज़ 50% मोर लॉन्ग दैन इट इफ़ द अदर ट्रेन इज़ स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। सी ये अब कह रहा है कि ट्रेन एक क्रॉस करती है, इससे हमें ट्रेन की लेंथ पता लग गई। अब ये कह रहा है जो दूसरी ट्रेन है वो इस वाली ट्रेन से 50% ज़्यादा लंबी है, मतलब अगर ये 100 मीटर की है तो वो 150 मीटर की हो गई, और हम तो हमें बताना है कितना टाइम में क्रॉस करेगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन वन, जो पहली ट्रेन थी उसकी लेंथ निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम 72 × 5/18 इंटू 15 सेकेंड, तो 300 मीटर आ गया। ट्रेन टू की लेंथ कितनी होगी, 1.5 कर देंगे, क्योंकि वन से तो हो जाएगा कि 300 मीटर या 50% ज़्यादा है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई, मतलब 0.5 प्लस कर दिया तो 1.5 आ गया। 1.5 को 300 से करा 450 मीटर। तो अब हमें ये बताना है कि उसे वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी। दो ट्रेन है तो वो एज अ प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगी क्योंकि ये खड़ी हुई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 300 ये वाला, 450 ये वाला, 750 मीटर। तो सिंपली डी इज इक्वल टू एस इन टू टी, डी 750 हो गया, एस हमें दिया होगा 72, 5/18 में कन्वर्ट करा, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम आ गया इसे सॉल्व करके 150/4, 371/2 सेकेंड। ये आप खुद ट्राई कीजिए। ये थोड़ा दिखने में ऐसे लग रहा है और बहुत इजी है। इसमें बताया हुआ है कि ट्रेन क्रॉस करती है टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ट्रेन की अगर 100 मीटर लेंथ है तो टनल की हो गई 50 मीटर लेंथ। ये स्पीड है ट्रेन की और टाइम की वन है कितने देर में क्रॉस करती है। अब हमें बताना है ये कितना टाइम लेगी किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ डबल है इस ट्रेन से, जैसे पहले में 50% थी, अब इसमें डबल है। और ये भी दे दिया कि पहले मतलब स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर नहीं है, अब ये 60% ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो कितना टाइम लेगी। तो सिंपल हम देखते हैं जो जो हमें मिल रहा है उससे हम सॉल्व करेंगे। ट्रेन की लेंथ हमें पता है, हमने मान लिया 2L, फिर टनल की लेंथ हमने मान लिया L, क्योंकि इसमें लिखा है कि टनल की लेंथ हाफ है, तो हम इसे 2L मान लेंगे, तो ईजिली L ये हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। हम L और L/2 भी कर सकते थे, बट उससे थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको मुश्किल होता। तो 2L + L ये डिस्टेंस हो गया इज इक्वल टू स्पीड 72 × 5/18 इंटू 1 मिनट गिवन है ना, तो उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि मीटर पर सेकेंड पे हमने स्पीड निकाली है, तो इंटू 60, तो L की वैल्यू हो गई 400 मीटर। इससे हमें पता लग गया ट्रेन की लेंथ है 2L, यहाँ पे हमने देखा था, तो वो हो गई 800 मीटर। और हमसे बोला है कि जो दूसरी ट्रेन है वो डबल लेंथ की है, तो उसकी लेंथ हो गई 1600 मीटर। अब T1 क्रॉस करेगा T2 को, तो ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो इसका भी डिस्टेंस लगेगा और इसका भी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करके 2400। और स्पीड कितनी हो गई, 60% ऑफ T1, तो 60% मतलब 0.6, मतलब 60/100 हो गया, तो उससे हमने 0.6 ले दिया इंटू 72 इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18, या गया 12। तो सिंपली डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम आ जाएगा डी इज इक्वल टू एस इनटू टी से। ये आप फिर से ट्राई कीजिए, आप उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, पॉज कर दीजिए। सी ये अब ये ट्रेन के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको पजल ऐसे ही करेंगे कि वो वहाँ से आ रहा है, वहाँ से जा रहा है, रुका हुआ है, तो आप नर्वस मत होइए, सीधा देखिए आपको क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर आ जाए। तो दो ट्रेन है सेम लेंथ की, पोल को क्रॉस करती है 7 सेकंड में 9 सेकंड में। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अभी ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और ये पोल को क्रॉस कर रही है 7 सेकंड में 9 सेकंड में। तो हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए अभी हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि S1 हो गया D/7 D/9, फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने D एज्यूम कर लिया 63, क्योंकि 9 और 7 का LCM लेके, ताकि कट जाए और हमें ईजी वैल्यू मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो हमने माना कि टोटल 63 मीटर है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन
टाइम तो 9 मीटर पर सेकेंड, S2 क्या आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये यहाँ से 9 मीटर पर सेकेंड, ये 7 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 63 63, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हो गया दोनों ट्रेन का सम, 63 प्लस 63 लेंथ, और स्पीड कितना हो गया, अब हमने रिलेटिव में पढ़ा था अगर अपोजिट है तो प्लस करना है, 9 प्लस 7, तो 126/16 63/8 सेकेंड। ईजी था, बस आपको पता होना है, पिक्चराइज करना चाहिए कि ये कैसे हुआ था, मतलब वो ट्रेन कैसे क्रॉस कर रही है। सॉरी ये चेंज, हाँ ये आप सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए खुद, देन हम आगे सॉल्यूशन देखिए। सॉरी वही हो गया। हाँ तो इसमें बोल रहा है टू ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, जैसे हमने पहले देखा था, फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर इन रीच 7 रीच 9। उस पहले क्वेश्चन में था कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अब है सेम डायरेक्शन में आ रहा है, पर इसमें देख स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो दे दिया 7:9। तो पहले हमने क्या करा था कि टाइम से निकाला था ज़ूम करके, पर इसमें सीधा दे रखा है 7 और 9। देखिए हम इसे 7x और 9x ही मान सकते थे, लेकिन x लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर एक बार स्पीड में x लेंगे फिर डिस्टेंस में भी x आ ही जाएगा, तो वो x x कट जाते हैं, तो इसलिए हमने इसे ले लिया 7 मीटर पर सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था इसका 4 सेकेंड, इसका 6 सेकेंड, तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 7 × 4 = 28 मीटर की, ये हो गई 54 मीटर की। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमें टाइम निकालना है डिस्टेंस अपन स्पीड। देखिए डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा, ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड होगी, चाहे वो अपोजिट जाए या फिर सेम डायरेक्शन में हो। स्पीड इसमें माइनस होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में हमने पढ़ा था, सेम डायरेक्शन में तो माइनस, तो 9 - 7 = 82/2 41 सेकेंड। हाँ ये सेम कॉन्सेप्ट है, आप खुद ट्राई कीजिए। हाँ वही है, रेशियो स्पीड के दे रखा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, क्रॉस करते हैं 3 सेकेंड, बस में बोथ क्रॉसेस ऑफ पोल 3 सेकेंड, दोनों 3 सेकेंड है, तो इसका ट्रेन की लेंथ आ गई 9 मीटर, इसकी 12 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है हाउ मच दे विल क्रॉस ईच अदर, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले तो सेम डायरेक्शन में, तो इसमें वही डिस्टेंस को प्लस करा, इसमें स्पीड भी प्लस होगी क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, तो 21/7 3 मीटर पर सेकेंड। आप ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है देखने, और प्लीज़ इन्हें अटैम्प्ट कीजिए। देखिए जब तक आप खुद अटैम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपके ग्रिप नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, यही नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे। बस अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। प्लीज़ डरिएगा मत, ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो इसमें दो ट्रेन है, एक है गुड ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, स्पीड का रेशियो 1:2 जैसे हम पहले भी कर रहे थे। तो इसमें ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस हिज ट्रेन कम्प्लीटली इन 60 सेकेंड। तो सिंपली बस ये कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है 60 सेकेंड में, क्योंकि ड्राइवर आगे बैठा होता है, और इसमें ये हमें याद रखना है कौन सी ट्रेन ने किसको क्रॉस करा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ उन्होंने लिखा है वेरियस अब पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, उसने दूसरी ट्रेन को देखा, लाइक गुड्स ट्रेन को देखा, और देखा कि उसने 40 सेकेंड में उसे क्रॉस कर दिया है। तो देखिए ट्रेन को तो क्रॉस करा है दूसरी ट्रेन ने 60 सेकेंड में, लेकिन उस आदमी को क्रॉस करा है 40 सेकेंड में जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है। तो आप आंसर देखेंगे आप सब समझ जाएंगे। तो स्पीड ऑफ गुड ट्रेन हम मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, रेशियो गिवन है हमें, पैसेंजर की 2 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड ए सेम डायरेक्शन में, तो 2 - 1 1 मीटर पर सेकेंड, तो पैसेंजर ट्रेन गुड ट्रेन्स को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों का सम जो हमें पता है पी प्लस जी, स्पीड रिलेटिव स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 60 सेकेंड, तो ये आ गया पी प्लस जी की वैल्यू आ गई। दूसरी लाइन में बोला था पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन, इस ट्रेन में ये मैन बैठा हुआ है, इसने देखा कुछ ट्रेन इसे क्रॉस कर रही है, इन्होंने कुछ गुड ट्रेन को क्रॉस करा है 40 सेकेंड में, तो ये मैन ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा होगा, गुड ट्रेन अपनी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, मतलब गुड ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू S × T, तो गुड ट्रेन की लेंथ क्या होगी रिलेटिव स्पीड आ गई अपनी 1 मीटर पर सेकेंड 2 - 1 × 40 सेकेंड में क्रॉस करा, तो जी की वैल्यू आ गई 40 मीटर, यहाँ से पी प्लस जी की वैल्यू आई थी 60, अगर जी की 40 है तो पी की आ जाएगी 20 मीटर,
तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो जी बाई पी हो गया 40/20 इज इक्वल टू 2/1। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी है, पर मैं आपको नहीं बोलूँगा शॉर्टकट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे और सीधा आंसर निकाल दोगे। बट बुक में शॉर्टकट दिया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है कि डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो छोटा टाइम है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर, वो ऊपर लिखना है, डिवाइड में जो बड़ा टाइम है वो यहाँ लिखना है, माइनस में से छोटा टाइम कर देना है। लाइक 40 पैसेंजर को टाइम लगा क्रॉस करने देखने में, 60 ड्राइवर को टाइम लगा देखने में 60 सेकेंड, 60 माइनस ये वाला टाइम यहाँ से, तो 40/20 कितना हुआ 2/1, आंसर सेम आया है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ आंसर देखिए 2/1 सेम आया। बट आप इसी तरीके से करना, वो शॉर्टकट के पीछे मत जाना, वरना बहुत चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सेम है, आप पहले अटैम्प करना फिर आंसर देखना है इसके। इसमें भी यही बोला है 9 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 7 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, रेशियो के बने तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। डी इज इक्वल टू एस इन टू टी, पी प्लस जी डिस्टेंस ट्रेन के लेंथ दोनों हो गया, सम टू सॉरी स्पीड हो गया, रिलेटिव ये रहा, टाइम ये रहा। अब वही है, पैसेंजर बैठा हुआ है तो जी की वैल्यू गुड ट्रेन की लेंथ आएगी इससे, एस इन टू टी, तो रिलेटिव स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है ये 35 सेकेंड, तो जी की वैल्यू आ गई 70 मीटर। इस इक्वेशन में हमने रखा लाइक पी प्लस जी 120 आया था ना, तो जी की वैल्यू हमने 70 रखी, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 120 - 70 50 मीटर, तो जी बाई पी 70/50 7/5। शॉर्टकट आप एक बार देख लीजिए, जी बाई पी जो कम टाइम लगा 35 सेकेंड, जो ज़्यादा टाइम लगा उसमें से कम टाइम को माइनस करा, 35/25 7/5। आपको शॉर्टकट अच्छा लग रहा होगा और प्लीज़ मैं यही कहूँगा आप इससे ही करना, क्योंकि सेम क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, बट आपको कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होता है इनसे। ये आप खुद ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए। अब हम ये देखते हैं, अ ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जा रही है रेलवे ट्रैक पे, और उसी ट्रैक पे साइड या फिर साइड वाले ट्रैक पे एक मैन जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। तो देखिए ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और डिस्टेंस हमें गिवन है 200 मीटर, तो डी इज इक्वल टू एस इनटू टी, हमें टाइम निकालना है सॉरी स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस कितना होगा जो ट्रेन की लेंथ कवर होगी, स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है तो x माइनस सिक्स इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर में है, तो ताकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में है, इंटू टाइम गिवन है 10 सेकंड, सॉरी हमें क्या निकालना था, स्पीड, हाँ हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है ना, टाइम है 10 सेकंड। तो इसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 78 किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन था, बस हमें समझ आना चाहिए कौन कहाँ पे चल रहा है। ये आप एक बार टाइम कीजिए खुद। अगेन स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन द ड्राइवर ऑफ ट्रेन इज़, देखिए इसमें ट्रेन में क्या होता है, पीछे बैठा होता है गार्ड, आगे होता है ड्राइवर। तो इसमें बोला है कि ड्राइवर ने गोली की आवाज़ सुनी 3/2 मिनट लेटर देन गार्ड, मतलब पहले यहाँ पे गार्ड बैठे, गार्ड को आवाज़ आई, फिर साउंड गोली की स्पीड होती है आवाज़ की, फिर धीरे धीरे पहुँचने में उसे इतना टाइम लगा 3/2 मिनट। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है हमें ये, और ब्लड की स्पीड गिवन है हमें ये, और सॉरी साउंड की स्पीड हमें गिवन है ये। तो ट्रेन की स्पीड है 1000 मीटर पर मिनट, यूनिट का हमें ध्यान रखना है कौन सी किस में गिवन है, सॉरी हमें 60 किलोमीटर पर आवर पे गिवन थी, हम इसे मीटर पर मिनट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये भी मिनट में ये भी मिनट में, तो मिनट में चेंज कर देते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में लेगा 1000 मीटर, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दिया, जब सेकंड में चेंज करना होता है तो 3600 सेकेंड होते हैं, तो 60 से फिर से डिवाइड करना पड़ता, 60/60 × 1000, तो स्पीड ये आ गई और साउंड की स्पीड ये है। अब सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल हो गया, डी इज इक्वल टू एस इन टू टी, डिस्टेंस कितना होगा ट्रेन की लेंथ, स्पीड कितना होगा रिलेटिव स्पीड, इसमें से इसको माइनस करा 100, टाइम कितना लिया 3/2 मिनट, तो आंसर आ गया 150 मीटर। प्लीज़ आप इसे खुद अटैम कीजिए पॉज करके। अब इसे देखते हैं, और ट्रेन कैन क्रॉस 2 मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, पहले एक आदमी था, 2 आदमी है, एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसे क्रॉस करा है 10 सेकंड में, इसे 12 सेकंड में, तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। थोड़ा पहले जो हमने करा था उस तरह का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अलग है। तो अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन जाएगी, एक तो इन दोनों की मिला के,
एक इन दोनों की मिला के। तो लेंथ कितनी है ट्रेन की, 20। तो टी इज इक्वल टू एस इंटू टाइम, स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड रिलेटिव स्पीड कितना हो गया इसकी, हमने एक्स अज्यूम कर ली, एक्स माइनस फोर इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 10 सेकंड लेके क्रॉस करने में। ट्रेन की लेंथ इक्वल ही होगी, दूसरी इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे इसके, एक्स माइनस फाइव रिलेटिव स्पीड है क्योंकि इंटू 5/18 इंटू इसे 12 सेकंड लेके, इसे हमने सॉल्व करा तो हमारे एक्स की वैल्यू होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें लेंथ निकाल लिया तो एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 10 माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 10 आ गया 50/3 मीटर। इजी क्वेश्चन था बस, आप आई होप कि आप सबने सॉल्व कर दिया होगा। तो डेट आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, मैं जल्दी से बताता हूँ। इस उसमें क्या था कि सेम डायरेक्शन था, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, तो सेम वही है ट्रेन टी, इसमें बस रिलेटिव स्पीड उसमें माइनस हुआ था, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा। तो पहले एक्स प्लस फाइव इंटू सिक्स, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस 10 इंटू 5, एक्स की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालने के लिए एक्स की वैल्यू हमने, सॉरी ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 20 प्लस 5 इंटू 6, 150 मीटर। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। इसमें है टू ट्रेन है, लेंथ 100 मीटर और 80 मीटर, पहले लाइन पे चल रही हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 18 सेकंड में क्रॉस करती हैं, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 9 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो हमें स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन बताना है, फास्टर ट्रेन। तो वो ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक में रिलेटिव स्पीड है सेम डायरेक्शन तो माइनस होगा, एक में अपोजिट है तो प्लस होगा। तो डी कितना है, 100 इसका प्लस 80, ये हमेशा प्लस ही होता है। एस स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इंटू टाइम कितना लगा 18 सेकंड, ये यहाँ आ गया। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू होगी 10, एस यहाँ पे 100 प्लस 80 इजिकल टू, यहाँ बस प्लस हो गया रिलेटिव स्पीड 9 सेकंड यहाँ से आ गए, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 20। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, वाई 5 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा था फास्टर ट्रेन की स्पीड तो, जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये पसंद आई वीडियो और आपको ये सब समझ आया। अगर नहीं आया या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगी तो बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप, अब हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, इसमें हम सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करेंगे ताकि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट हो। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज पावर इज गेन्ड बाय शेयरिंग नॉलेज, नॉट होल्डिंग इट। थैंक यू।